अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ FRC क्लॉथिंग, जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बगैर आपको फील्ड में जाने की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए आपको FRC क्लॉथिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके पर्सनल में आप कह सकते हैं आपके स्टील शूज़ होते हैं, स्टील टो वाले शूज़ और ग्लव्स हैं, आपके ग्लासेस हैं, गूगल जिन्हें हम कहते हैं, हेलमेट है आपका, और आपका एक ड्रेस होता है जिसमें प्रॉपर शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं आपकी, हुडीज़ हैं, पैंट्स हैं स्पेशल उस क्लॉथिंग की, और एक पूरा ड्रेस होता है, मतलब टी शर्ट पहनी इसके ऊपर से मैं पहन सकता हूँ उसको, तो वो भी आप पहन के फील्ड में जा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें, ये जो है ये शूज़ हैं, तो ये स्टील टो कैसे हैं, ये आगे से बहुत हार्ड हैं, तो ये सेफ्टी के लिए बने हुए हैं ये वाले शूज़ जो हैं। और इसी तरह ये हेलमेट है जो आप हेड पे लोगे, और ये वाले जो हैं गूगल्स हैं, जिनके बगैर आपको जाने की इजाज़त नहीं है कहीं फील्ड के अंदर। ये जो है ये पूरा ड्रेस है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप टी शर्ट को ऊपर से पहन सकते हो। तो ये देखें, यहाँ पे जिप लगी हुई है, जिप खोलें और पूरा बंदा इसके अंदर फिट आ जाएगा, और इसको बंद करेंगे आप तो पहन के जा सकते हो। ये FRC जो क्लॉथ है, इसका मतलब है कि ये फ्लेम रेजिस्टेंट है, तो इनके ऊपर भी टैग लगा होता है, ये जो क्लॉथिंग है इनके ऊपर, जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो लेकिन जब फील्ड में इंजीनियर्स जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो अभी जो मैंने देखा है कि लोग टी शर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं गर्मी की वजह से, तो वो भी इसी क्लॉथिंग की होती हैं, उन पर भी टैग लगा होता है FRC का। तो जब हम प्लांट के अंदर इंटर होते हैं तो वो हमारा चेक करते हैं कि उन्होंने ये प्रॉपर क्लॉथिंग की हुई है, इनके पास हेलमेट है, ये ग्लासेस हैं, शूज़ हैं, जो ग्लव्स हैं या सेफ्टी बेल्ट वगैरह हैं, वो आपको जब ऑन साइड जाते हो तो आपको वहाँ पर मिल जाती हैं वो। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ अपने शर्ट्स और पैंट्स लेने के लिए, तो मुझे FRC क्लोथिंग की जो हैं यहाँ पे वो मिल जाएं। तो अभी मैंने जो गूगल पे सर्च किया है तो वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे वॉलमार्ट पे अवेलेबल हैं, कोस्को पे हैं, और इसके अलावा जो बहुत फेमस स्टोर हैं अकेडमी स्टोर और आउटडोर कैबलोज है, तो वहाँ पे अभी मैं जाऊँगा और अपने लिए शर्ट्स और ट्राउज़र देखने के लिए, ताकि मुझे वो मिल जाए और सुबह मैं जॉब पर वो पहन के जा सकूँ। तो पहले जो है मेरे घर से आता है अकेडमी स्टोर, मैं उधर जाऊंगा, उसके बाद अगर मुझे वहां से ना पसंद आया तो मैं जाऊंगा आउटडोर कैबलर्स पे। तो यहां पे जो शर्ट्स हैं सेफ्टी के लिए वो फुल बाजू हैं, ये हाफ बाजू वाली शर्ट्स अलाउ नहीं है वहां पे जाना फील्ड के अंदर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिनको PPE कहते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऑयल एंड गैस जॉब में काम करते हैं, तो मतलब वहाँ पर ऑयल लिकर है, गैस है वहाँ पर, तो ये दोनों हाईली फ्लेमेबल हैं, तो इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पहनना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आग लग जाए या कोई वहाँ पर इशू बन जाए, तो आपको सेफ्टी, आपको अपने एहतियात और अपना ख्याल रखने के लिए ये पहनना ज़रूरी है। ये देखें, अकेडमी स्टोर के बाहर बहुत क्लियर लिखा स्पोर्ट्स प्लस आउटडोर, आउटडोर में है ये, मतलब ये देखें बाहर बोटिंग के लिए जो स्टाफ है वो लगा हुआ है, फिशिंग का जो स्टाफ है, यहाँ ये जो बच्चों के खेलने के लिए हैं, तो कहीं से पार्क वगैरह में जाएँ तो ये खेल सकते हैं, और इसके अलावा अंदर कैंपिंग का बहुत ज़्यादा स्टाफ है, तो मैंने कुछ अपना कैंपिंग स्टाफ भी इधर से बाय किया हुआ है। तो लेकिन अभी देखते हैं कि शर्ट्स मिल जाएँ, लग रहे हैं यहाँ से मुझे जी। मैं अभी स्टोर में पहुँच गया हूँ अंदर, और यहाँ पर जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्लोथिंग वो नज़र आ रही है, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, और ये हुडीज़ हैं, लेकिन फायर का जो है ये स्पेशल इनका सेक्शन होना है यहाँ पे, तो अभी वो देखता हूँ और वहाँ से जाके अपने लिए जो ड्रेस है वो पिक करता हूँ। ये डिफरेंट तरह यहाँ पे बारबेक्यू स्टैंड पड़े हुए हैं, जिनको आप हम घर में या बाहर जब कैंपिंग साइट पे जाएं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्पाइसेस के बॉक्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारा जो है कैंपिंग से रिलेटेड स्टाफ पड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आउटडोर कुकिंग, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये स्टाफ ले जाएं, तो बहुत पुरसकून आप कैंपिंग कर सकते हैं वहाँ पे। ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये जो है ये स्पेशल शर्ट्स है ना, ये होती हैं फायर रेजिस्टेंस वाली, शर्ट पे लिखा हुआ है, ये प्रॉपर इन पर लिखा होता है FR, तो ये वाली शर्ट जो है ना इनमें से मैं कोई लूँगा। ये थी शर्ट जो मैं कह रहा था, कंप्लीट फुल बाजू मिल जाती हैं, तो इन पर भी FR लिखा हुआ है, तो ये वाली शर्ट भी आप ले सकते हैं जब सेफ्टी के लिए आप किसी फील्ड में जा रहे हो। ये देखें, ये कितनी एक्सपेंसिव ये वाली शर्ट है, इसकी $79.9 प्राइस है एक शर्ट की।
उतना सेम उठने वाली जो शेड है उसकी प्राइस 79.99 है सेम। ये देखें ये पेंट भी है, इस पर भी ये इस तरह टैग लगा होता है, इसमें कैट वुड 2112 ये कोई ओशा का कोड है, तो ये कोड लिखा हुआ इसके ऊपर इन्होंने। मोस्टली जो क्वालिटी ये रेंगुलर की है, तो यहाँ पे ये देखें पेंट के पीछे भी लिखा हुआ रेंगुलर एफ आर, ये भी फायर जो सेफ्टी है उसके लिए ये वाली पेंट है। इनमें से जो है ये वाली मुझे पसंद आ गई है, तो इसकी जो प्राइस है वो $84 है और प्लस जो 25% इस पर ऑफ भी है ये पूरे स्टॉल पे, तो उनमें से ये वाला मुझे कलर जो है पसंद आया। तो बाकी जो अभी मैं जाता हूँ आउटडोर कैपलोस पे, तो वहाँ से जाके देखता हूँ। अभी मैं कोस्को पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं अपना जो है गाड़ी के मैं फ्यूल भी डलवाऊँगा और शर्ट्स वगैरह भी देखूँगा अगर यहाँ से मिल जाएँ तो। यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 30-40 सेंट जो है प्राइस कम होती है पर गैलन की। ये देखें जी डिफरेंट तरह के यहाँ पे इनके जो है मेंबरशिप कार्ड हैं, तो आप कोई भी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर ले सकते हो, कोल्ड स्टार वाला ले सकते हो, बिजनेस मेंबर वाला कार्ड इनमें से ले सकते हो, डिफरेंट ऑफर्स हैं इनके साथ। ये जो ऊपर जो कार्ड नजर आ रहा है ये इनका जो है ना क्रेडिट कार्ड है, तो आप ये भी बनवा सकते हैं। आपको कुछ भी बाय करना है कोस्को स्टोर से तो आपको उसका मेंबरशिप कार्ड लाजमी चाहिए, वो आप फ्यूल डलवा रहे हो या अंदर स्टोर से शॉपिंग कर रहे हो तो वो कार्ड आपके लिए होना मस्ट है। जैसे आप इंटर होते हैं स्टोर के अंदर तो ये एक मेंबर इनका खड़ा हुआ जो आपका कार्ड चेक करता है कि इनके पास मेंबरशिप कार्ड है या नहीं है। मुझे जो है तुहारी की तीन शर्टें मिल गई हैं और ये तीनों एफआर के लिए हैं, तो शुक्र अल्लाह का कोस्को से ये तीनों मुझे मिल गई हैं, तो अभी मैं ये ले लूँगा फिर बाद में देखेंगे, या मैं देख रहा हूँ अमेज़ॉन या ईबे भी सस्ती मिल रही हैं तो वहाँ से मैं देख लूँगा। कोस्को से मुझे शर्ट्स मिल गई हैं, लेकिन जो इसका बिल्कुल नेबरिंग स्टोर है जो कैबलोज आउटपोस्ट है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अभी, शायद मुझे पॉसिबल है कि यहाँ से पेंट्स मिल जाएँ। ये बिल्कुल एकेडमी स्टोर की तरह यहाँ पे हंटिंग और फिशिंग का स्टाफ पड़ा हुआ है, बोटिंग का, और वो भी देखें ये साइड पर बोटिंग का स्टाफ पड़ा है, तो कैंपिंग का भी स्टाफ यहाँ से मिल सकता है आपको। ये देखें कैबलोज आउटपोस्ट, ये देखें कितना प्यारा है, फोटोज़ के लिए एरिया बनाया हुआ पीछे, पूरा जो कैंपिंग वाइब्स आपको देगा, यहाँ पे बैठ कर फ़ोटो खिंचवाएँ अपनी। ये देखें जी कितने प्यारे और कलरफुल ये क्लोथिंग है, जिनको हम कैमो क्लोथिंग कहते हैं, कैमो उन्हें कहते हैं जिनमें हम दरख्तों जैसा जो ड्रेस होता है, जो कलर पत्तों का होता है वैसे जो कलर के जो ड्रेस होते हैं उनको हम कैमो क्लोथिंग कहते हैं। ये देखें कितने प्यारे स्टोर के अंदर है यहाँ पर, यहाँ पे देखें ये देखें आर्टिफिशियल जो हिरन है ये बियर बनाया हुआ इन्होंने, ये मोस्टली लोग जहाँ पे घरों के बाहर जो फ्रंट पैटी वहाँ पे लगाते हैं, तो इनकी प्राइस भी मेंशन है इनके साथ ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये लगता है कोई प्रिजर्व किए हुए इन्होंने ये वाले, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखें सामने भी बड़ी ही प्यारी वाइब्स आती हैं स्टोर के अंदर आके, यहाँ पर आपको देखिए क्लोज आप इनका टेक्सचर देख सकते हो कि ये बिल्कुल प्रिजर्व किए हुए इन्होंने। यहाँ पे जो है हंटर की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, साथ में इनका लिखा भी हुआ है किस हंटर ने ये शिकार किया था, ये वाले हिरन जो ऊपर लगे हुए हैं, ये भी देखें यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, साथ में इनके नाम वगैरह हैं और ये लिखे हैं टेक्सास टेक का स्टूडेंट था 2013-2017 बैरिको, तो ये तब उसने ये शिकार किया था ये वाला हिरन। ये सब शिकार किए हुए हिरन हैं, इनको प्रिजर्व किया इन्होंने ना यहाँ पर, लेकिन बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं स्टोर के अंदर। ओल्ड नेवी की जीन्स पे लिखा आ रहा था कि इनके पास भी एफआर जीन्स हैं, लेकिन इनकी स्टोर पे नहीं है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने यहाँ से अपनी टी शर्ट्स और एक हुडी मुझे पसंद है वो मैंने ले ली है ओल्ड नेवी से, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, एक और स्टोर है वहाँ पे जाना है मुझे, देखते हैं वहाँ से अभी जीन मिलती है या नहीं। आज के दिन की जो लास्ट उम्मीद है वो है बूट बान वेस्टर्न वर्क वियर, गूगल सर्च पर जो स्टोर दिखा रहा था लगभग के अंदर वो ऑलमोस्ट सारे विज़िट कर लिए हैं। वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट में मैंने वैसे कभी देखे नहीं है, तो मुझे उस पर भी डाउट है कि वहाँ से भी नहीं मिलेंगे, तो मॉल के अंदर ये वाली शॉप है साउथ प्लेन मॉल के अंदर, तो मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए, अगर यहाँ से ना मिले तो इंशाल्लाह फिर ओडेसा से जाके देखूँगा मैं। यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये लेट हो चुके हैं ये, क्योंकि ये स्टोर बंद हो चुका है, तो इनकी टाइमिंग थी 6 बजे की, और अभी चलते हैं फिर, अफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया है तो जाके अफ्तारी का कुछ सामान बनाएंगे और अफ्तारी करेंगे फिर। हमें जो स्टोर लगभग के अंदर गूगल दिखा रहा था कि यहाँ पे एफआरसी से रिलेटेड क्लोथिंग अवेलेबल है वो तो हमने देख ली है, तो वहाँ पे बड़ी लिमिटेड क्वालिटी थी और क्वांटिटी भी थी, मेरा जो इशू था वो कलर का भी था कि वो जो कलर से वो मुझे पसंद नहीं आए,
आउटपोस्ट कैबलस पे गया तो उन्होंने कहा था आपको जाना पड़ेगा डैलस या ऑस्टन बी सिटीज़ में, और एक दो स्टोर्स पे जो गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको मिलेंगे ऑयल एंड गैस सिटी वाले जो हैं स्टोर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो अभी जब मैं ओडेसा जाऊँगा तो वहाँ से ले लूँगा। तो आज की जो रिसर्च है इधर ही करते हैं, एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।